हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एमटीएस 2021 के टीयर 1 के 5 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर सीविंग इज रिलेटेड टू टेलर इन द सेम वे पेंटिंग इज रिलेटेड टू। सीविंग मतलब सीयू मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सीना होता है, कपड़ा सीना, वो सीना होता है। तो सीने का काम कौन करता है, कपड़ा सीने का काम कौन करता है, टेलर करता है, मीन्स दर्जी करता है। तो पेंटिंग का काम कौन करता है, पेंट करने का काम वो कौन करता है, पेंटर करता है। तो पेंटर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है, अभैज अंकल सेंट हिम सम मैंगोज फ्रॉम कोंकण, इफ ही वाज टू ईट सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैंगोज एवरी डे दे वुड हैव लास्टेड 468 डेज, बट अभैज कजिन राजीव केम टू स्पेंड द हॉलीडेज विथ हिम एंड बोथ ऑफ देम फिनिश द मैंगोज इन 36 डेज। इफ राजीव अलोन वाज टू ईट द मैंगोज देन हाउ मेनी डेज वुड दे लास्टेड। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले जो है सिर्फ कौन था, कौन अभय का अंकल जो था उन्होंने कुछ मैंगो भेजा कोंकण को। अब कोंकण ने खाना स्टार्ट किया डेली, वो एक मैंगो खाता है कौन, तो कोंकण, तो दे वुड हैव लास्टेड। तो कोंकण जो एक खाता है तो वो 7 दिन तक वो मैंगो चलता है। उसके बाद अभैज कजिन राजीव जो है वो भी आ जाता है, तो सेंड सम मैंगोज। तो कोंकण प्लस राजीव भी एज ए गेस्ट मेहमानी में आ जाता है जो कि कोंकण के साथ है। अब दोनों जो है मिल करके उस मैंगोज को कितना दिन में ख़त्म करता है, 36 डेज में ख़त्म करता है। अगर राजीव अकेला खाए उस मैंगो को तो अकेला वो कितने दिन में वो समाप्त होगा। तो इस फ्रेंड्स इस दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो आएगा 180। तो ये 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। अब क्या है हमें, तो 180 टोटल वर्क हमारा क्या कितना हो गया 180। तो अब ये जो है कौन कब अब हट जाएगा, मीन्स इसका एफिशिएंसी अब हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 होगा। तो राजीव का सिर्फ बचा, तो राजीव का कितना हो जाएगा 90 डेज में। तो 90 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 128 है, इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 सब्ट्रैक्ट किए इसमें। नो, ऐसा नहीं है पैटर्न, अल्टरनेट है फ्रेंड्स। 128 माइनस 2 26 हो गया, माइनस 2 24 हो गया। उसके बाद 16 में मैं प्लस 2 ऐड करेंगे तो 18 हो गया, फिर प्लस 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऐसा है, इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, और ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा, और ये फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये गोल बन जाएगा। तो ऐसा किस में, तो ये में तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो ऐसा जो है यहाँ पे गोल बनेगा, बीच में गोल बनेगा, और यहाँ भी गोल बनेगा। तो ऐसा बी में भी नहीं है, सी में है, यस सी में है, सी में ऐसा है, सी और डी में ये लाइन दे दिया, डी तो नहीं हो गया, ऐसा फ्रेंड सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज फेवरिस इज कोडेड एज 29, काउंसिल इज कोडेड एज 98, म्यूटेटेड इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। फेवरिस में अगर हम लेटर के पोजिशन जो है वैल्यू उसको अगर हम ऐड कर दें कितना होता है, 6, एफ का 6 होता है, 5 ई का 5, 6 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 प्लस आर 18 प्लस 9 प्लस एस 19 प्लस एच 8, सारा को ऐड करेंगे ये हमारा आ रहा है 92 को। अगर हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, मीन्स यहाँ पे 9 के प्लेस पे 2 दें और 2 के प्लेस पे 9 रखेंगे, तो ये 29 आ रहा है जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली काउंसिल में जो है 89 आ रहा है, तो इंटरचेंज कर देंगे तो 98 लिख दिया है।
तो म्यूटेटेड में एम का कितना होता है 13, 13 में यू का कितना होता है 21 होता है, एम यू टी का 20, ए का 1, फिर क्या है 20, फिर क्या है 5, फिर क्या है 4, सारा को ऐड करेंगे कितना आएगा 84 आएगा, डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 48 आ रहा है, तो 48 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो उसके बाद 12 में 2 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, तो इस कारण से मेरा आंसर क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हमने लिख दिया, उसके बाद 8 × 10 कितना होता है 80 होता है, 80 यहाँ नहीं है 82 है तो ये रॉन्ग हो गया, उसके बाद ये क्या है 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 × 2 ऐड करेंगे कितना होगा 15, 13 × 15 5 यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यहाँ 9 है तो अगेन ये नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ये क्या है 121, ये 11 का स्क्वायर है, 11 × 11 + 2 = 13, दोनों को ऐड करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 143 आ रहा है जो कि यहाँ पे है, मीन्स ऐसा जो ये पैटर्न जो है हमारा केवल ऑप्शन सी ही फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को सॉल्व करेंगे, जैसा कि विलन जो है, जैसे कि मूवी में आपने देखा होगा कि विलन होता है, विलन किससे रिलेटेड है हीरो से है, मीन्स अपोजिट है, हीरो का अपोजिट विलन होता है अपराधी, हीरो व नायक ये व खलनायक विलन, तो डेविल, डेविल मतलब क्या होता है, डेविल मतलब होता है ईश्वरीय, नो डेविल मतलब होता है दानव या राक्षसी, दानव या राक्षसी, तो राक्षसी का उल्टा क्या होता है, राक्षस का उल्टा क्या होता है, तो राक्षसी का उल्टा होता है एकदम ईश्वर से संबंधित, परी से संबंधित, तो एंजल मतलब होता है परी या ईश्वर, तो डेविल का अपोजिट एंजल हो जाएगा, एंजल इज द राइट आंसर। रेस्ट वर्ड का भी हम लोग मीनिंग जान लेते हैं, वर्चुअस मतलब क्या होता है, गुणकारी होता है, जिसमें गुण हो वैसा व्यक्ति को गुणकारी बोलते हैं, गॉड मतलब तो भगवान होता है, डिवाइन मतलब तो पवित्र होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलोलिज्म का क्वेश्चन है, सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि क्या है क्वेश्चन में सम पैंट्स आर बोटल, सम पैंट क्या है हमारा बोटल है, बी फोर बोटल, उसके बाद ऑल बोटल्स आर मग, सारा बोटल क्या है मग है, ये क्या है हमारा मग है, उसके बाद है पहला है ऑल मग्स आर बोटल, ऑल मग आर बोटल, ऑल मग क्या है बोटल है, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है सब मग आर पैन, सब मग जो है पैन है, ये राइट है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग प्रेयर ऑफ ए स्कूल, चंचल वॉज एट फ्रॉम द फ्रंट व्हाइल प्रिंस वॉज 11th फ्रॉम द बैक, इन द सेम वे इन द सेम रॉ, इफ दे स्वैप देयर पोजिशन चंचल बिकम्स 22nd फ्रॉम द फ्रंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रॉ। जैसे कि क्वेश्चन में है एक जो है इन द मॉर्निंग प्रेयर ऑफ ए स्कूल चंचल वॉज एट फ्रॉम द फ्रंट, चंचल जो है इधर से किस पोजिशन पे है, एट पोजिशन पे है, एट पोजिशन पे है। व्हाइल प्रिंस वॉज 11th फ्रॉम द बैक, प्रिंस जो है बैक से कितने पोजीशन पे है, 11th पोजीशन पे है। द सेम रॉ इफ द स्वैप देयर पोजीशन, अगर जो है पोजीशन स्वैप करता है मीन्स सी के प्लेस पे पी आ जाएगा और पी के प्लेस पे सी आ जाता है, तो क्या होता है चंचल बिकम्स 22nd फ्रॉम द फ्रंट, चंचल जो है यहाँ से कितने नंबर पे आ गया 22nd मीन्स 22वां। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो रॉ में कितना स्टूडेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ चंचल पे फोकस करेंगे, चंचल और यहाँ चंचल, यहाँ चंचल आगे से कितना पोजीशन पे है 8 पे है, तो फॉर्मूला होता है m प्लस एन माइनस 1, मतलब किसी एक आदमी का ही हमें देखना होगा, किसी एक आदमी का ही हमें वैल्यू जो है लिखना होगा, तो यहाँ पर फ्रंट से कितना था चंचल का 8, तो 8 हमने लिख दिया, उसके बाद चंचल यहाँ आ जाता है, यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना है पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, यस नो 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 नो
यहाँ पे हमें जो है 11th, वन मिनट, तो ये वाला वैल्यू फ्रेंड्स हम नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू जो है 8, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पे 22nd है ना चंचल, 22nd हम लेंगे, 22nd जो है फ्रंट से है, और बैक से कितना है, बैक से जो है वो एन हुआ, तो ये हमारा 11th है, तो ये 11th हो गया माइनस वन, तो दोनों सॉल्व करेंगे कितना आएगा 33, 33 माइनस वन कितना आ जाएगा 32, 32 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पे हम फोकस करेंगे, फर्स्ट लेटर पे भी, भी कितना होता है 22 होता है, 22 इसका कितना होता है 14 होता है, माइनस 8 का हो रहा है, माइनस 8 14 में माइनस 8 करेंगे कितना आएगा एफ आएगा, एफ में माइनस 8 करेंगे कितना आएगा एफ हुआ 26, 26 प्लस 6, 26 प्लस 6 32, 32 में से ऐड गया 24 आ गया, 24 किसका होता है एक्स का होता है, एक्स कहाँ है इस दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद सेकंड लेटर पे हम फोकस करें, एस पे फोकस करें, एस का 19 होता है, के का कितना होता है, के का 11 होता है, माइनस 8 हो रहा है इसमें भी, माइनस 8 यहाँ भी माइनस 8 करेंगे, 11 माइनस 8 3 आ गया, तो 3 है मीन्स 26 प्लस 3 29, 29 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, 21 किसका होता है, 21 होता है यू का, एक्स के बाद यू, किस किस में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को सॉल्व करेंगे, जैसा कि 4 प्लस 3 कितना होता है 7 होता है, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 35, इस पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, चलिए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन को 8 प्लस 13 कितना होगा 21 होगा, इंटू 5 कितना होगा, यह अनइक्वल है 110 का, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 6 प्लस 9 कितना होता है 15 होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल नहीं है 65 का, तो अगेन ये हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 7 प्लस 12 कितना होता है 19 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25 होगा, तो ये हमारा इस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37th को सॉल्व करेंगे, 37th में हमारा क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ग्लोइंग इज रिटन एज जी जी आई ये लिखा जाता है, देन हाउ विल ऑब्वियस बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ग्लोइंग को जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ग्लोइंग जैसा है इसमें सबसे पहले क्या आएगा जी आएगा, उसके बाद क्या आएगा अगेन जी आएगा, उसके बाद आई एल एन ओ डब्ल्यू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो सिमिलरली ओबीएस को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा बी के बाद आई, यस आई आएगा, आई आएगा, ओ कितनी बार है, ओ दो बार है, दो बार ओ आएगा, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये फिगर जो है, ये फिगर ये किस में एम्बेडेड है ये हमें बताना है, चलिए पहला को चेक करते हैं, तो पहला ऐसे आया, कलर चेंज कर लेता हूँ, पहला ऐसे आया, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद नो 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 पहला तो नहीं होगा, पहला तो यहाँ से तो नहीं आ रहा है, ऐसा पहला तो रॉन्ग है, बी देखते हैं, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ तक आया, उसके बाद ऐसे आया, ऐसे आया, यस बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 39th को, 39th में क्या है हमारा, 39th में है अगर पेटिशन को ये लिखते हैं, जर्मिनेट को ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स को क्या लिखेंगे, पेटिशन में पी का कितना होता है फ्रेंड्स, पी का 16 होता है, तो 1+6 हमने लिख दिया, 1+6 कितना होता है 7 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, 5 हमने लिख दिया, टी का कितना आता है 20 होता है, तो 2+0 कितना हुआ 2+0, 2+0 ये हमारा 2 हो गया, ओके तो 752 ऐसा ही लिखा हुआ है, 752 ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिमिलरली
सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में सी का कितना होता है 3, ओ का कितना होता है 15 होता है, ओ का 15 है तो 1 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद एम का कितना होता है 13 होता है, 13 मीन्स 1 + 3 ये इक्वल टू कितना होता है 4 होता है, तो 3, 6, 4 किस ऑप्शन में है, ऐसा हमारा ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि फ्लुइडिटी को अगर हम ये लिखते हैं तो इम्प्रोवाइज को क्या लिखेंगे, तो फ्लुइडिटी को अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, इसको इसमें जो लिखा गया है मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखा गया है। जैसा एफ है, एफ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा फ्रेंड्स, वाई आएगा, वाई को सबसे पहले लिख दिया गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यू आएगा, यू यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, टी लिख दिया गया है। सबसे शुरू में क्या आएगा, डी, डी को सबसे लास्ट में लिखा गया है, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सिमिलरली इम्प्रोवाइज को अगर हम लोग, सबसे लास्ट में क्या आएगा, इसमें भी आएगा, भी को हमने पहले लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, पी क्यू आर, उसके बाद एस, एस आएगा, एस हमने लिख दिया। उसके बाद आर आएगा, तो बी एस आर किस में है, बी एस आर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है वैल्यू को इंटरचेंज करना है, जैसा कि टू पहला ऑप्शन है, टू के प्लेस पे 8 लिखना है और 8 के प्लेस पे 2 लिखना है। तो चलिए 8 7 है तो 8 के प्लेस पे 2, 7 को एज इट इज़ इन टू, 2 है तो 8 माइनस 65 ठीक है। उसके बाद प्लस 128 डिवाइड बाय 3, 8 के प्लस पे 2, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 216 माइनस 65 माइनस 65 प्लस 4 ये कितना आएगा, 220 माइनस 65 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 155 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही है, ऐसा वैल्यू दे रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को। 6 persons आर पोजिंग बिफोर ए कैमरा फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ, पी इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड एस, व्हाइल क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, हु इज एट एक्सट्रीम राइट, व्हाइल आर इज टू हिज इमीडिएट लेफ्ट, हु इज एग्जैक्ट राइट ऑफ एस, ऐसा क्वेश्चन है। तो 6 persons है, चलिए पी इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड एस, यहाँ एन होगा या एस होगा, यहाँ क्या है बीच में पी है, इसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, यहाँ एन है या एस है, बीच में पी है, फिर यहाँ एस है या एन है। उसके बाद क्यू इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, सबसे लेफ्ट में क्या है, क्यू इज लेफ्ट ऑफ एन, एन का लेफ्ट में हमारा क्या है, क्यू है, वो इज एक्सट्रीम राइट, जैसे 6 लोग हैं, एक वो इज एक्सट्रीम राइट, 3, 3, 6, 3, 3, 6, वाइल आर इज टू हिज इमीडिएट लेफ्ट, आर जो है ओ के लेफ्ट में है, आर जो है ओ के लेफ्ट में है। ओके अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये इक्वेशन को पहले लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 6 नंबर पे ओ आ गया, फिर यहाँ पे क्या है आर है, इससे आर हमने लिख दिया। उसके बाद क्यू एन है, क्यू एन हमने यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू एन। उसके बाद एन पी एस, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर गया मीन्स ये मैच कर रहा है। तो हमारा जो है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, राइट ऑफ एस कौन है हमारा, एस के राइट में यहाँ पे आर है, तो आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को सॉल्व करेंगे। 43 में हमारा क्या है, 6, 11 है, तो यहाँ पे कितना का एडिशन हो रहा है, +11 + 5 का, यहाँ पे कितना को हो रहा है, +7 का, यहाँ पे कितना हो रहा है एडिशन, +9 का, यहाँ पे कितना का एडिशन हो रहा है, +11 का, अब कितना का एडिशन करेंगे हम,
प्लस 13 का करेंगे, 13 38 में 13 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, 51 आएगा। 51 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को सॉल्व करेंगे। 44 में हमारा क्या है, इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो जैसा कि ये है, सबसे पहले ये बॉक्स आएगा, ये बॉक्स यहाँ पे ऐसे लाइन है तो इसमें से ऐसे जाएगा, तो ऐसा किस में है, ऐसा हमारा ऑप्शन ए में ही है इस सेट लाइन, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को सॉल्व करेंगे। 45 में क्या है हमारा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्मूदी इज रिटन एज, ऐसा हेवनली को क्या लिखेंगे उस लैंग्वेज में, एस का कितना होता है 19 को यू लिखा गया है, मीन्स प्लस 2 का एडिशन हुआ। उसके बाद एम को कितना लिखा गया है, के लिखा गया है, एम का 13 माइनस 2 लिख किया गया है। उसके बाद ओ का कितना होता है 15 को क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, 15 प्लस 2 हो रहा है, मीन्स एक स्टेप में प्लस 2 एक स्टेप में माइनस 2 करना है। तो चलिए हम लोग अब हेवनली में अगर प्लस 2 करें, एच में प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ई में जो है, ई में माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 5 माइनस कितना होगा, 5 माइनस 2 3। ए में जो है प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 ए माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम लिखें 10 है ना, 10 है तो क्या होगा, जे होगा, सी होगा, सी होगा, जे सी सी कहाँ है, जे सी सी ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है ऑप्शन वाइज हर ऑप्शन को चेक करना है वन बाय वन। तो पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 46 है, 46 हमने लिख दिया। उसके बाद माइनस है, 72 है, 72 इंटू 18 है, इंटू 18 है, डिवाइड 27। उसके बाद प्लस 135 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये 3 है, तो ये जो है 46 माइनस 135, इस दोनों को सब ऐड करके सब ये करेंगे, तो ये तो कभी नहीं, 19 तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम ऑप्शन बी को चेक करें, 46 है, 46 इंटू 72 डिवाइड 18 माइनस 27 प्लस 135, इसको सॉल्व करेंगे ये भी कभी नहीं आएगा हमारा 19, बड़ा नंबर देगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करें, 46 है, प्लस 72 डिवाइड बाय 18 इंटू 27 माइनस 135, तो इसको 18 फोर जा 46 प्लस माइनस 135 154 माइनस 135 इक्वल टू 19, तो ये 19 आंसर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसको हम देख रहे हैं, हमारा जो है ये स्क्वायर है, जैसे कि ये जो है इसको यहाँ पे बीच में लाया गया है, बीच में लाया गया, जो टॉप में उसको बीच में, तो ये यहाँ पे वाइट है, वाइट को हम लोग क्या लाएंगे, बीच में लाएंगे वाइट को, ये क्या है, वाइट है। उसके बाद सेकेंड, ये जो नीचे है इसको ऊपर ले जाया गया, यहाँ पे इसको जो है ये कलर को इसको ऊपर ले जाएंगे, इस कलर को ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद जो है
जो हमारा बीच में किसको लाना है, उसके बाद जो हमारा जो टॉप में उसको बीच में लाना है, जो टॉप में है टॉप वाला को ऐसा है, 1 2 1 2 3 ऐसा है। सबसे पहले इसको टॉप में, इसको टॉप में, उसके बाद बीच वाला को 3 नंबर पे, बीच वाला को 3 नंबर पे, उसके बाद ऊपर में जो है उसको 2 नंबर पे, उसको 2 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में क्या है, यहाँ पे वाइट आएगा, वाइट आएगा, उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे वाइट आएगा, नीचे ब्लैक आएगा, नीचे ब्लैक आएगा। ओके, तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी में, बी में, बी में यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है। ओके, और यहाँ पे ये कलर है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी में, तो बी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है। ऑल कप्स आर प्लेट, सारा कप क्या है, ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल कप्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर सॉसर, सम प्लेट्स आर सॉसर्स, ऑल प्लेट्स आर कप्स, ऑल प्लेट आर कप्स, रॉन्ग, सम कप्स आर सॉसर, सम कप आर सॉसर्स, ये भी रॉन्ग, तो नाइदर वन नाइदर टू, कंक्लूजन फॉलोज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेंसिल है, ये पेंसिल है, शार्पनर है, और ये शार्पनर है, पेंसिल शार्पनर में कोई रिलेशन नहीं। उसके बाद क्या है, लेड है, लेड फ्रेंड्स, जैसा कि हम ये पेंसिल है, जैसा कि ये पेंसिल है, इस वाले पार्ट को जो कहते हैं इसको, इसको लेड कहा जाता है, ये वाला जो, इसको क्या बोला जाता है, लेड बोला जाता है। तो लेड किस में होता है, पेंसिल में होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा, मीन्स अगर जो है पेंसिल ये बड़ा है तो इसके अंदर लेड आ जाएगा, एल फोर लेड, तो मीन्स ऐसा फिगर बनेगा हमारा। तो ऐसा देखते हैं फ्रेंड्स किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी को चेक करें, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, डी में ही ऐसा है, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ को हम देखें पैटर्न, ये जो है क्लॉक क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज है, मीन्स पहले ऐसे है, उसके बाद ऐसे हो गया, उसके बाद अगेन ऐसे हो गया, तो मीन्स क्लॉकवाइज बॉल को घुमाया जा रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो ऐसे घुमा फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आ गया, अब इधर आ जाएगा, मीन्स अब जो है ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बाय एंड टेक केयर।